नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए टेस्ट सीरीज नंबर 7 से रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो आप एंड तक देखिए। आपको हमेशा की तरह टारगेट रखना है इन 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन सही कर पाने का। अगर आप इस टारगेट को अचीव कर पाते हैं तो निश्चित ही मान के चलिए आपकी तैयारी काफ़ी अधिक अच्छी चल रही है और आप ईमानदारी के साथ ये टेस्ट लगाएं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो आधी वीडियो को देखकर स्किप कर देते हैं, लेकिन आप ऐसा न करें। जो ये टेस्ट सीरीज है, इसका जो बेनिफिट है वो लॉन्ग टर्म है। आपको आपके एग्जाम में निश्चित ही काफ़ी अधिक बेनिफिट होगा अगर आप इस टेस्ट सीरीज को ईमानदारी से लगा रहे हैं। तो वीडियो अगर आपको तहे दिल से लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को जरूर स्टार्ट करें ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों आप रीड करें वीडियो को पॉज करके। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा, और वीडियो के अंदर आपका जितना भी स्कोर बने वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। यहाँ पर जो इसका सही आंसर है, जो मूल्यांकन का उद्देश्य है वो है अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे दे रखा है, RTE ने निम्न प्रावधान किए हैं। 25% पिछड़े व कमजोर वर्ग के बच्चों हेतु सीटें आरक्षित करना, जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश से इनकार नहीं करना, प्रवेश हेतु कोई प्रवेश परीक्षा नहीं लेना, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। RTE एक्ट 2009 के तहत ये तीनों प्रावधान किए गए हैं, ये आप ध्यान रखिए। फिर आगे दे रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि बच्चे के पैर के, यहाँ पर समझिए ये तलवा है, ठीक है, बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है या फिर मारा जाता है, अथवा किसी अन्य वस्तु से उसको दबाया जाता है, तो पैर की जो उंगलियां होती है वो आगे की ओर मुड़ जाती हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? यहां पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बेबीनेस की। आगे दे रखा है, लेखन संबंधी व्यतिक्रम क्या कहलाता है? यहां पर जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डिसग्राफिया। ये आप ध्यान रखिए, डिसग्राफिया होता है लेखन संबंधी विकार। जो यहाँ पर दे रखा है डिसप्रेक्सिया, डिसप्रेक्सिया ये स्मृति संबंधी विकार होता है, और डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है, ठीक है। तीनों आप ध्यान रखिए। एड अगर डिसग्राफिया पूछे तो लेखन संबंधी आप ध्यान रखिए, डिसप्रेक्सिया पूछे तो स्मृति संबंधी, और डिसलेक्सिया पूछे तो पठन संबंधी, ये आप ध्यान रखिए। फिर आगे दे रखा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पियाजे के अनुसार विकास की पहल अवस्था, जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है, किसके द्वारा, ये आपको बताना है। यहां पर जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। ये आप ध्यान रखिए, जीन पियाजे ने एक सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ठीक है, और इसकी टोटल 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी? फर्स्ट है संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष तक। फिर सेकेंड है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, वो है 2 से 7 वर्ष तक। फिर थर्ड है मूर्त या स्थूल सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से लगाकर 12 वर्ष तक के लिए है, ठीक है, बच्चों के लिए। और जो लास्ट अवस्था है वो है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 12 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये 4 अवस्था बताई थी जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकासवाद सिद्धांत के तहत, ये आप ध्यान रखिए। आगे दे रखा है, शिशु कष्ट अथवा भूख लगने पर किस समय में रोककर अभिव्यक्तियां करना सीखता है? यहां पर जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रथम माह में। आगे दे रखा है, जिराफ की गर्दन के आकार द्वारा परिवर्तनों के स्थानांतरण की बात किसने कही? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, लेमार्क ने ये कही थी। आगे दे रखा है, बुद्धि के विकास में वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है, यह किसने कहा? यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही है, कैंडोल। फिर आगे दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सीखने से संबंधित नहीं है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करना, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य असाचर्य, या फिर परीक्षण एवं निरीक्षण पर आधारित। सीखने से संबंधित कौन सी यहां पर विशेषता नहीं, वो आपको बताना है। तो यहां पर जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उद्दीपक अनुक्रिया है उसके मध्य साचर्य होता तो ये इसकी विशेषता हो जाती, यहां पर असाचर्य दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है।
आगे दे रखा है, कल्पना करना, प्रेम करना, घृणा करना किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? ये सभी संबंधित हैं भावात्मक भावात्मक अनुच्छेद से। आगे दे रखा है, चिंतन के साधन निम्न में से कौन से हैं? बिंब व भाषा, संप्रत्यय, प्रतीक या फिर उपयुक्त सभी। तो यहां पर जो दे रखे तीनों, ये तीनों चिंतन के साधन हैं। ये आप ध्यान रखिए, उपयुक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर है। कंटेस्टली आप ध्यान रखिए, बिंब व भाषा, संप्रत्यय और प्रतीक। आगे दे रखा है, नवीन एवं मौलिक ज्ञान को प्रकट करने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो यहां पर जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, निर्मितिवाद। आगे दे रखा है, व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिक गुणों का गतिशील संगठन है जो उसका वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित करता है। यह परिभाषा किसने दी है? ये व्यक्तित्व की परिभाषाएं किसके द्वारा दी गई वो आप बताएं। यहां पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आलपोर्ट के द्वारा यह परिभाषा दी गई थी। आगे दे रखा है, गैरेट के अनुसार अभिप्रेरकों का वर्गीकरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। फिर आगे दे रखा है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक रूप से भिन्न होना क्या कहलाता है? तो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से भिन्न होना कहलाता है व्यक्तिगत भिन्नता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे दे रखा है, बूढ़े माता पिता की संतानें लंबी व अल्प बुद्धि माता पिता की संतानें प्रभावशाली किस नियम के आधार पर हो सकती हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, प्रत्यागमन के सिद्धांत के आधार पर। फिर आगे दे रखा है, वंश गुणों के हस्तांतरण को किस मनोवैज्ञानिक ने कैलीकॉक परिवार के अध्ययन द्वारा सिद्ध किया था? तो यहां पर जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गोडार्ड। आगे दे रखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्सनैलिटी शब्द लेटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो पर्सनैलिटी जो शब्द है वो बना है परसोना से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और इस परसोना का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है नकली चेहरा या फिर नकली मुखौटा। ये आप ध्यान रखिए, ये आप जरूर इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें। और पर्सनैलिटी की एक इंपॉर्टेंट परिभाषा जो कि वॉटसन के द्वारा दी गई, ये भी आपको पता होनी चाहिए। इनके अनुसार व्यक्तित्व होता है, हम जो कुछ भी करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व है। ठीक है, पर्सनैलिटी को हिंदी में कहते हैं व्यक्तित्व। तो वॉटसन ने ऐसा कहा था कि हम जो कुछ भी करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व है, ये आप ध्यान रखिए। फिर आगे दे रखा है, बाल संबोध परीक्षण में कार्ड होते हैं जानवरों के, महिलाओं के, पुरुषों के या फिर दोनों के, इन दोनों के। तो यहां पर जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जानवरों के। कंटेस्टली आप ध्यान रखिए, बाल संबोध परीक्षण में जानवरों के कार्ड होते हैं। कार्ड कितने होते हैं? तो 10 होते हैं, प्लस एक रिक्त कार्ड होता है। बाल संबोध परीक्षण किसके द्वारा किया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। ये परीक्षण किया गया था, यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देता हूँ, लियोपोल्ड बेलॉक और सोरल बेलॉक के द्वारा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, वापस बता देता हूँ, लियोपोल्ड बेलॉक और सोरल बेलॉक के द्वारा ये परीक्षण किया गया था। 10 कार्ड होते हैं जानवरों के और एक रिक्त कार्ड होता है, और ये परीक्षण 3 से लगाकर 11 वर्ष के बच्चों पर किया जाता है। सारे फैक्ट आप ध्यान रखिए। आगे दे रखा है, वाक्य पूर्ति परीक्षण का निर्माण किया गया था कब? यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1930 में। 1930 में वाक्य पूर्ति परीक्षण किसके द्वारा किया गया ये भी आपको ध्यान रखना है। ये परीक्षण किया गया था पाइन व टेडलर के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिए, पाइन व टेडलर के द्वारा वाक्य पूर्ति परीक्षण 1930 में किया गया था। आगे दे रखा है, समाज मिति विधि के प्रवर्तक हैं, यहाँ पर इसका सही आंसर है मोरेनो, ऑप्शन नंबर बी। जो ये समाज मिति विधि है इसमें बालकों के सामाजिक गुणों के आधार पर अध्ययन करवाया जाता है। आगे दे रखा है, बुद्धि अधिगम की योग्यताएं परिभाषा प्रस्तुत की किसने? तो ऐसा कहा था बकिंगम ने, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे दे रखा है, स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित तीसरे तत्व का नाम था?
तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी समूह तत्व। आगे दे रखा है, थ्रस्टन द्वारा प्रतिपादित योग्यताओं के मापन हेतु जो परीक्षण माला तैयार की गई उसका नाम है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, ये आप ध्यान रखिए। आगे दे रखा है, भय क्रोध प्रेम इत्यादि की उचित मात्रा में अभिव्यक्ति व्यक्ति किसकी सहायता से करता है। तो यहां पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संवेगात्मक बुद्धि। आगे दे रखा है, भग्नाशा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण माना जाता है। तो यहां पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मानसिक संघर्ष। आगे दे रखा है, मंगोलिज्म होता है मानसिक रोग, समस्यात्मक बालक, मंद बुद्धि या फिर अपराध। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही है, ये एक प्रकार का मानसिक रोग है मंगोलिज्म। आगे दे रखा है, संज्ञानात्मक निर्मितिवाद का आधार किस मनोवैज्ञानिक के कार्य हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, जीन पियाजे। आगे दे रखा है, सामान्य एवं औसत बालकों से व्यक्तित्व तथा गुणों में भिन्न बालकों को कैसे बालक कहा जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, विशिष्ट बालक ये कहलाते हैं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, पिछड़ा हुआ विद्यार्थी वह है जो अपनी आयु के अन्य विद्यार्थियों की तुलना में उल्लेखनीय शैक्षणिक कमजोरी का प्रदर्श करता है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत की। जो पिछड़े बालक होते हैं उन पर ये परिभाषाएं किसके द्वारा प्रस्तुत की वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपका जितना भी स्कोर बनाए वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोनिल की ये परिभाषा है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो। अगर वीडियो आपको तहे दिल से अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी प्रकार के टेस्ट सीरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको अगर राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो भी टेस्ट सीरीज शुरू कर सकता हूँ रीट एग्जाम्स के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको तहे दिल से अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।